मेरी पोस्ट प्रॉब्लम पहले a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या है? a क्रॉस b का फॉर्मूला है a क्रॉस b, द फॉर्मूला फॉर a क्रॉस b इज ab साइन थीटा इनटू n कैप, ab साइन थीटा इनटू n कैप। ना n कैप क्या होता है ना, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। अगर ये आपका a बार है और ये आपका बी बार है, ये दो वेक्टर्स आपके पास ए बार और बी बार, ऑब्वियसली इनके बीच में जो एंगल रहेगा उसको थीटा बोला रहेगा, इसको थीटा बोला रहेगा। ए बार और बी बार को जो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा ना, ए बार और बी बार को जो वेक्टर परपेंडिकुलर रहेगा ना, इसको बोलते हैं ए क्रॉस बी। The vector perpendicular to A bar and B bar is called as A cross B. ठीक है, ऐसा समझिए कि आप बेस पे आपने एक रेक्टेंगल बिछाया है और वहां से आप हाइट खींच रहे हो, बेस से हाइट खींच रहे हो, तो हाइट जो है वो मेरा A cross B है। और ये n cap क्या है? n cap A cross B का यूनिट वेक्टर है, तो आप बोल सकते हैं कि n cap is nothing but यूनिट वेक्टर। n cap क्या रहेगा मेरा? n cap रहेगा मेरा यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b, n cap इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग a क्रॉस b। सबसे पहले a क्रॉस b का फॉर्मूला आएगा, तो a क्रॉस b का फॉर्मूला क्या है? ab sin थीटा इनटू n cap, ab sin थीटा इनटू n cap, ये हो गया a क्रॉस b, ab sin थीटा इनटू n cap। और दूसरा, अगर मैं a क्रॉस b को पढूं, a क्रॉस b होता क्या है, तो हम बोल सकते हैं यहां पे कि a क्रॉस b जो है वो है वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी वन, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी वन, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी वन। तो ए क्रॉस बी क्या रहेगा? ए क्रॉस बी रहेगा वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी वन, और ए बार क्रॉस बी बार का जो यूनिट वेक्टर रहेगा उसको बोलते हैं एन कैप। थीटा एंगल बिटवीन ए बार एंड बी वन, ए बी मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी, एन कैप रहता है हमारा यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी। एंड ए क्रॉस बी एक्चुअली ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। तो बहुत अच्छे से याद रखना है ये फॉर्मूला, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। लेट अस मूव टू सम मोर फॉर्मूलास, आई होप इतना समझ में आएगा। अब सेकंड इसमें ये है ना कि अगर आपको ए क्रॉस बी नहीं निकालना है, अगर से आपको मॉड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, क्या निकालना है? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा? मॉड ऑफ ए क्रॉस बी होगा मॉड ए इंटू मॉड बी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये मॉडुलस मांग रहा है, जिसमें से मॉडुलस की क्वांटिटीज ले जाएंगे, एन कैप नहीं लिया जाएगा, एन कैप वेक्टर है। एन कैप क्या मेरा? एन कैप मेरा वेक्टर है, तो एन कैप का प्रॉपर्टी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कितना आएगा सर? ए बी साइन थीटा, ठीक है। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा? ए बी साइन थीटा। मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा? AB sin theta, तो हम लोग मॉड ऑफ ए क्रॉस बी को बोल सकते हैं AB sin theta, ठीक है। थर्ड पे आते हैं, इतना तो क्लियर हो रहेगा। अगर हम लोगों यहाँ पे यूनिट वेक्टर निकालना है, जो कि आपको पता है n cap, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर थर्ड प्रॉपर्टी है मेरा, यूनिट वेक्टर n cap along a cross b, यूनिट वेक्टर along n cap, यूनिट वेक्टर n cap, आपको पता है n cap को यूनिट वेक्टर बोलते हैं, अलोंग a क्रॉस b इज गिवन बाय अ फार्मूला। अच्छा, यूनिट वेक्टर निकालने का प्रोसेस क्या है? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अभी ये n cap कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में है? a क्रॉस b ना, तो इज गिवन बाय फार्मूला a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। कितना आएगा? वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर n cap अलोंग a क्रॉस b इज गिवन बाय, क्या रहेगा फॉर्मूला इसका? एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस, ठीक है। ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इतना तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं बेसिक फॉर्मूला पे, जो वेरी फर्स्ट फॉर्मूला। अगर ए बी सी ये तीन वेक्टर्स हैं, अगर ए बार बी बार और सी बार ये तीन वेक्टर्स हैं, आर थ्री वेक्टर्स
अगर ए बार बी बार और सी बार ये तीन वेक्टर्स हैं, देन यू कैन से दैट, देन यू कैन से दैट वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी बार प्लस सी बार कितना होगा, ए क्रॉस बी बार प्लस सी बार होगा हमारा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, और दूसरा कितना होगा बी प्लस सी क्रॉस ए कितना होगा, बी प्लस सी क्रॉस ए फॉर्मूला रहेगा बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, दोनों भी अलग अलग कॉन्सेप्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट कॉम्पिटेटिव नहीं होता, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में सेम रिलेशन नहीं होता, ठीक है। देखो ये ए क्रॉस बी है, अगर ये नीचे की तरफ गया हो जाएगा आपका बी क्रॉस ए या माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, क्यों आया माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, एक इसका डायरेक्शन चेंज हो गया ना, अपोजिट डायरेक्शन हो गया, ये ऊपर की तरफ जाता है नीचे की तरफ जा रहा है, हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को याद रखना है कि ऊपर वाला और दूसरे वाला हम लोग सेम मानेंगे क्या, ये डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव था, ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों सेम था, बट वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं होता है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या रिलेशन आएगा, नेगेटिव रिलेशन आएगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है और यहाँ पे डायरेक्शन का रोल आएगा क्योंकि वेक्टर है, ठीक है। तो याद रखना अच्छे से कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है बट वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। लिख देते हैं आप हम चाहिए तो यू कैन से दैट वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, अगर कम्यूटेटिव नहीं है तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, दैट इज यू कैन से दैट ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू व्हाट बी क्रॉस ए, चलिए तो आप ब्रैकेट में लिखोगे फिर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, दिस इज आंसर, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ठीक ना। इतने पॉइंट्स समझ के लो, सबसे पहले ए क्रॉस बी कितना होता है, ए बी साइन थीटा इनटू एन कैप, ठीक है। एन कैप का यहाँ पे यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी को हम क्या पढ़ते हैं, दूसरे नाम से वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, क्या पढ़ते हैं वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी चाहिए तो ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग ए क्रॉस बी चाहिए तो फॉर्मूला रहेगा वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये प्रॉपर्टी हो गया, ये आपको पता है कि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा बी क्रॉस ए से इक्वल नहीं होगा, अगर दोनों को इक्वल करना चाहिए आएगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, नेगेटिव हो जाएगा क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी एक्चुअली इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्रॉस बी इज इक्वल टू व्हाट माइनस ऑफ बी क्रॉस, इतना अच्छे से आ रखें, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतने प्रॉपर्टीज का, आगे मूव कर दें, ये हो गया प्रॉपर्टीज हमारा, आगे चलते हैं, आगे और प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक बार प्रॉपर्टीज हो गए तो हम आराम से सम कवर कर सकते हैं हम एक्सरसाइज। So, property number six, vectors scalars के बारे में पढ़ते हैं, अगर a और b दो vectors है, if a bar and b bar are any two vectors, if a bar and b bar are any two vectors and m and n are two scalars and m and n are two scalars, then you can say that the very first property, then the very first property m times of a cross b is equal to, अब ये a cross b एक ही term है actually, product है ना, इसको आप m को ना दोनों में से एक के पास दे सकते हैं, so m a times plus b bar ऐसा हो सकता है, या तो ऐसा हो सकता है a bar cross एम बी बार, एम ए क्रॉस बी बार, और यहाँ पे ए क्रॉस एम बी बार, ठीक है। सेकेंड में आते हैं हम लोग, एम ए बार क्रॉस एन बी बार इज इक्वल टू क्या आएगा, एम एन बाहर अंदर आएगा ए बार क्रॉस बी बार, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है, ये दोनों प्रॉपर्टीज है।
आते हैं जिसके सेवन वाले प्रॉपर्टी पे, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर आई जे की आपका ये तीन यूनिट वेक्टर्स है, आपको पता है कि आई यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस होता है, जे होता है यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, और के होता है यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो हमको समझना होगा कि आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, इसका वैल्यू हमेशा होगा जीरो। डॉट प्रोडक्ट में इन सबका वैल्यू वन था, क्रॉस प्रोडक्ट में इन सबका वैल्यू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि जो एंगल होंगे वो जीरो होगा। आई क्रॉस आई फॉर्मूला लगाया मैंने, ए बी साइन थीटा, तो थीटा साइन जीरो जीरो होता है ना, तो इसलिए इन दोनों के बीच में क्या है, पैरेलल है ना ये। तो दो वेक्टर्स अगर पैरेलल होते हैं या दो वेक्टर्स अगर कोलिनियर होते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। ठीक है, तो अगर आपको कभी चेक करना हो कि आपका वेक्टर्स कोलिनियर है कि पैरेलल है कि नहीं, तो आप चेक कर सकते हो कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। के बीच में अगर एंगल जीरो रहेगा तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक, तो आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के कितना रहेगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब सेकेंड वाली प्रॉपर्टी पे आ जाओ, तो इंपॉर्टेंट है, इसका पहला पार्ट था ये, इसका सेकेंड वाली पार्ट पार्ट है। इसको पढ़ने के लिए फिर से हम लोग को ये अच्छे से फ्लो याद रखना पड़ेगा। इसको बोलते हैं हम लोग आई कैप, ये हो गया हमारा जे कैप, ठीक है, बना दिया। ठीक है, और अच्छे से बना होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के फॉर्म बना देते हैं, बेटर रहेगा। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस तो आई का, ये मेरा वाई एक्सिस तो जे का, और ये मेरा जेड एक्सिस तो इसको बोल देते हैं के का। आपको ए क्रॉस बी कौन होता है, वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। सो आई क्रॉस जे कौन होगा, वेक्टर परपेंडिकुलर टू I cap and J cap. So I cap and J cap को perpendicular जो होगा उसको I cross J लिखते हैं। तो I cross J को perpendicular कौन है भाई? K cap. तो आंसर आएगा K cap. तो I cross J is equal to K cap. फिर सेम जगह मैं J cross K लेता हूँ। तो J cross K कौन है? Vector perpendicular to Y and Z axis. तो Y and Z axis को perpendicular कौन है? X axis. ये मैंने आपको starting में पहले पहले बताया। A cross B क्या होता है? Vector perpendicular to A bar and B bar. So I cross J क्या होगा? Vector perpendicular to I cap and J cap, मतलब in short vector perpendicular to x axis and y axis, कौन रहेगा? Z axis, y axis and z axis कौन रहेगा? X axis। ठीक है, सेम जगह में लिखो K cross I। देखो मेरा फ्लो देख पा चीज, फ्लो अपना एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। K cross I, तो K cross I कितना आएगा, Z axis and x axis कितना आएगा, y axis J cap। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला प्रॉपर्टी इसको। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसमें एक और आएगा नेगेटिव, अगर मैं उल्टा गया तो। अब मैं आई क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज गया, जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज गया, के क्रॉस आई एंटी क्लॉकवाइज गया। अब मैं उल्टा आता हूँ, अब मैं आई क्रॉस के या इसको उल्टा कर लेता हूँ, इसको उल्टा किया तो इतना आएगा जे क्रॉस आई, डायरेक्शन चेंज होगा गाइस, डायरेक्शन चेंज होगा कितना आएगा, माइनस ऑफ के कैप। यहाँ पे भी के क्रॉस जे डायरेक्शन चेंज हो गया तो कितना आएगा, माइनस ऑफ आई कैप। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गया, आई क्रॉस के कितना आएगा, जे कैप। आया समझ में? देख लो अच्छे से, प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, कंफर्म करो हुआ क्या यहाँ पे, ये वाला समझा देगा आपको। इसमें क्या हो रहा है, इसमें अगर वेक्टर्स रोटेट होता है मतलब डायरेक्शन चेंज हो गया उसका, वो एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज जा रहा है, तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन चेंज होगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी था, आई होप ये लोगों को समझ में आया, किसी को भी डाउट है तो प्लीज पूछ सकता है वो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में हम लोग ऐसा जा रहे थे, ये डायरेक्शन जा रहे थे, तो ये डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में हमारा पॉजिटिव रहेगा, जब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप, आई क्रॉस के माइनस जे कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप। ठीक है, आई होप ये तो क्लियर रहेगा सबको इतना, श्योर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट सम पे, इतना तो क्लियर है, लेट अस मूव टू। और यहाँ पे याद रखना कि ये जो आई जे एंड के है, आई जे एंड के, ये क्या बना रहे, ये फॉर्म अ राइट हैंडेड ट्रिपलेट।
लेफ्ट साइड की नहीं बोलते हैं इसको, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, दे फॉर्म ऑफ राइट हैंडेड ट्रिप्लेट। ये आई जे की क्या रहेगा यहाँ पे, राइट हैंडेड ट्रिप्लेट रहेगा, लेफ्ट हैंड में क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है, तो आई जे की वर्ड फॉर्म ऑफ लेफ्ट हैंडेड नहीं राइट हैंडेड ट्रिप्लेट। आते हैं इसके एट फॉर्मूला पे, ध्यान देना। अगर मेरे पास दो वेक्टर है ए क्रॉस ए बार और बी बार, मान लो मेरे पास ए बार है ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, मेरे पास एक वेक्टर है ए बार, और मेरे पास एक और वेक्टर है बी बार, और बी बार वेक्टर क्या है ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, ए बार है बी बार है, मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस बी, मुझे फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी कितना आएगा, फॉर्मूला क्या ए क्रॉस बी का देखो, आई कैप जे कैप के कैप, ए के कोएफिशिएंट आएंगे पहले, ए का कोएफिशिएंट है ए वन बी वन सी वन, और बी का कोएफिशिएंट कितना है ए टू बी टू एंड देन सी टू, सो ए वन ए टू ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, दीज आर द कोएफिशिएंट्स, ठीक है, देख लो समझ में आएगा, देखो ये प्रॉपर्टी समझो, तो ये फिक्स वाला प्रॉपर्टी तो आपको बाय हेड करना है, सेवन वाला प्रॉपर्टी मैंने बताया कि आई क्रॉस आई जे क्रॉस जे के क्रॉस के क्या होगा, सिंपल वेक्टर्स आर कोलिनियर देयर क्रॉस प्रोडक्ट इज जीरो, ये भी समझा देगा आपको कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, ठीक है, ए अगर ए और बी दिए तो हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ए क्रॉस बी इज नथिंग बट वी कैन सॉल्व दिस इन डिटरमिनेंट अप्रोच, ठीक है, डिटरमिनेंट अप्रोच क्या रहेगा इसका, आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, आई जे के ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू, ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट, आई होप यू समझा रहेगा इतना प्रॉपर्टीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, स्पॉट आ रहा हूं मैं, ठीक है, दीज आर द प्रॉपर्टीज, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, ये सब प्रॉपर्टीज हम लोग सम्स में यूज करेंगे, आते समझ में, ठीक है, आ जाते हैं एक्सरसाइज 5.4 पे, टॉपिक हो गया 5.4 पे आते हैं, और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज इसके हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं, तो वो सब फॉर्मूला जो जब आएगा तो जब नींद आएगा तब पढ़ते हैं, ठीक है, फिलहाल अभी समझ पे आते हैं एक्सरसाइज 5.4, कुछ क्वेश्चन बहुत छोटे छोटे हैं तो दो दो सम साथ में रहूंगा मैं, एक्सरसाइज 5.4। ठीक है, मेरी फर्स्ट सम ऑफ एक्सरसाइज 5.4, एक्सरसाइज 5.4 का फर्स्ट सम देखते हैं, सब प्रॉपर्टीज के ऊपर कम से ज्यादा थे, क्या दिया आपको, ए बार दिया, ए बार कितना दिया टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप माइनस के कैप, ये हो गया ए बार, और बी बार कितना दिया आई कैप माइनस फोर जे कैप प्लस टू के कैप, ठीक है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे दो चीज, हमें फाइंड करना है ए बार प्लस बी बार इंटू ए बार माइनस बी बार, ठीक है, पहले हम निकालेंगे ए बार प्लस बी बार, सो अगर ए बार प्लस बी बार निकालना है तो दोनों ब्रैकेट को ऐड कर लेंगे हम लोग, ठीक है, दोनों को ऐड किया कितना हो जाएगा, टू आई प्लस आई कितना हो गया थ्री आई, थ्री जे माइनस फोर जे कितना हो गया माइनस जे, माइनस ए प्लस टू जे कितना हो गया प्लस, ये हो गया मेरा ए बार प्लस बी बार, क्या हो गया ये ए बार प्लस बी बार, दूसरा निकालते हम लोग ए बार माइनस बी बार, ए बार माइनस बी बार कितना आएगा, अब पता ही रखो ए बार माइनस बी बार साइन चेंज हो जाएगा, तो टू आई माइनस आई कितना आएगा आई कैप, थ्री जे माइनस ऑफ माइनस फोर जे कितना आएगा सेवन जे कैप, माइनस के माइनस टू के कितना आएगा माइनस ऑफ थ्री के कैप, तो बी बार बोलते वेक्टर्स ए बार प्लस बी भी मिल गया और ए बार माइनस बी भी मिल गया, ठीक है, अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें, सो नाउ वी नीड टू गेट द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार प्लस बी बार क्रॉस
ए बार माइनस बी बार, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने वाले हैं। ठीक है, जा करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में। हमने पता ही आई कैप जे कैप के कैप, पहले ए प्लस बी का कोएफिशिएंट आ जाएगा, तो ए प्लस बी का कोएफिशिएंट कितना आएगा, थ्री माइनस वन वन, एंड देन ए माइनस बी का आ जाएगा वन सेवन माइनस थ्री। इसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा रेड आंसर। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं सीधा सीधा, कितना आएगा ये, थ्री माइनस सेवन टाइम्स ऑफ आई कैप, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस नाइन माइनस वन टाइम्स ऑफ जी कैप प्लस ट्वेंटी वन प्लस वन टाइम्स ऑफ ए कैप। ठीक है, कितना आएगा इसका आंसर, माइनस ऑफ फोर आई कैप, दिस इज प्लस टेन जी कैप प्लस कितना ट्वेंटी टू ए कैप। ठीक है, इसको डिवाइड बाय टू नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि आर एच एस में जीरो नहीं है। ठीक है, आंसर आएगा माइनस फोर आई कैप प्लस टेन जी कैप प्लस ट्वेंटी टू के कैप। सिंपल सा आंसर था, इसको बताना था कि ये दोनों ए प्लस भी निकालना था, ए माइनस भी निकालना था, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना था। तो क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने के लिए वी ऑलवेज हैव टू यूज द डिटरमिनेंट अप्रोच। हमेशा हम लोग क्या करना होगा, डिटरमिनेंट अप्रोच यूज करना होगा। ठीक है, इट इन शॉर्ट विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फटाफट करूंगा मैं तुम, ठीक है, स्टार्टिंग में उन्होंने जस्ट में लेट कर दिया था, सब स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए थे स्टार्टिंग में। Let us move to the second term. Same type of terms मैं skip करूँगा, ठीक है? Second term क्या बोला है? You need to find unit vector perpendicular to two vectors. Unit vector क्या होता है? N cap, और N cap का formula क्या होता है? A cross B. ठीक है ना? Unit vector is nothing but N cap. ठीक है? तो अगली बार कभी भी unit vector बोला जाए निकालने के लिए तो समझ जाना unit vector क्या करेंगे हम लोग? Vector निकालेंगे A cross B और उसके नीचे उसका magnitude निकालेंगे A cross B. Mod of A cross B. तो मैंने आपको फॉर्मुला लिखा कि थर्ड फॉर्मुला आज का, यूनिट वेक्टर अलोंग ए क्रॉस बी इज एन कैप व्हिच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। तो हम लोग पहले क्या बोलेंगे, पहले हम बोलेंगे कि हमारा ए बार कितना है, हमारा ए बार कितना है, हमारा ए बार है जे कैप प्लस टू के कैप, ये मेरा ए बार है। और मेरा बी बार कितना है, मेरा बी बार है आई कैप प्लस जे कैप। ए बार है मेरे पास और बी बार भी है मेरे पास। अब मुझे ना सबसे पहले ए क्रॉस बी निकालना होगा। सो ए क्रॉस बी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे आई कैप, यहाँ पे लिख लेंगे जे कैप, यहाँ पे लिख लेंगे के कैप। ठीक है ना, ए का कितना आएगा, जीरो वन टू, यहाँ कितना आएगा वन वन जीरो। क्लियर है ना, इतना समझा, इसे सॉल्व कर लेते हैं कितना हो जाएगा ये, ना देख ली कर रहा हूँ मैं कितना, जीरो माइनस टू आएगा, जीरो माइनस टू प्लस टू जे कैप हो जाएगा, साइन बीच का चेंज, और ये कितना आएगा प्लस माइनस के कैप। ठीक है, तो आपको ए क्रॉस बी कितना मिला, माइनस टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस ए कैप, आपको पता है इतना। अब मेरे को इसका मॉडुलस निकालना होगा ए क्रॉस बी का। सो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज अ वे टू फाइंड मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, माइनस ऑफ टू स्क्वायर, ये कितना आएगा, ये हो जाएगा टू स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा मेरा वन स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करने के ऐसे कितना मिलेगा, ये फोर प्लस फोर प्लस वन, रूट ऑफ नाइन कितना आ जाएगा, थ्री हो जाएगा। अब मिल गया हम लोग को ए क्रॉस बी मिल गया और उसका मैग्नीट्यूड भी मिल गया, और हमको फॉर्मूला बताइए, देयरफॉर हमको फॉर्मूला बताइए, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, यूनिट वेक्टर मैं परपेंडिकुलर शॉर्टकट लिख रहा हूँ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार इज गिवन बाय, क्या रहेगा इसका फॉर्मूला, प्लस और माइनस, प्लस ऊपर के लिए माइनस नीचे के लिए। ठीक है ना, दो वेक्टर होता है, ऊपर वाई डैश वाई एक्सिस और नीचे वाई डैश एक्सिस, समझा, नेगेटिव वाई एक्सिस। सो प्लस और माइनस क्या रहेगा फॉर्मूला, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, आंसर आएगा प्लस और माइनस, ए क्रॉस बी कितना है, ए क्रॉस बी हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस ए कैप डिवाइड बाई ए क्रॉस बी, कितना जाएगा मेरा ए क्रॉस बी कितना, ए क्रॉस बी थ्री हो जाएगा, दिस इज आंसर। ठीक है, चलिए इसको अलग अलग कर सकते हैं कैसे, प्लस और माइनस रहने देते हैं, कितना हो जाएगा ये, ये हो जाएगा हमारा माइनस टू आई बाई थ्री या माइनस टू बाई थ्री आई कैप, ठीक है, प्लस टू बाई थ्री जे कैप माइनस वन बाई थ्री, ठीक है, कोई क्वेश्चन अलग कर दिया डिनोमिनेटर का। ठीक है, सो
माइनस टू बाय थ्री आई का प्लस टू बाय थ्री जे का माइनस वन बाय थ्री के का। समझ में आया तुम लिख लो अच्छे से, कंफर्म करो, समझा दो एवरीवन। ठीक है, कुछ नहीं, तुमने बहुत सिंपल सिंपल समझो, वेक्टर चैप्टर बहुत इजी, अगर हम लोग अच्छे से तो आप फोकस करते हैं। ठीक है, एक दस तीन सौ अगर प्रॉपर से तो अच्छे से आता है, तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो कर रहा हूँ मैं, हटा रहा हूँ इसको, मैं एक दस सिंपल रहेगी। तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार इज ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, लेट अस मूव टू द थर्ड सम। अभी थर्ड सम में क्या बोला गया कि आपको ए डॉट बी भी दिया है और ए क्रॉस बी भी दिया है, और बोला गया इंग्लिश में इसमें एरर निकालो। ठीक है, हमको ए बार डॉट बी बार दिया है, अब ए बार डॉट बी बार कितना दिया है, रूट थ्री। तो ए बार डॉट बी बार की मदद से मैं कॉस थीटा निकाल देता हूँ, बिकॉज हम लोग सबको पता है कि ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या है, ए बी कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला है, ए बी कॉस थीटा। ठीक है, और उसके बाद ए क्रॉस बी भी दिया है। ठीक है, हमको बोला गया कि इनके बीच का निकालना है, हमको इसके बीच का एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या रहेगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। सो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा कितना आएगा, ए बी कॉस थीटा, कितना मिल गया, ये रूट थ्री, इसको बोल देंगे लोग इक्वेशन वन। ठीक है, अब दूसरा फॉर्मूला आता है, दूसरे फॉर्मूला पे ए क्रॉस बी पे, सब ए क्रॉस बी कितना दिया, एलोम ने एलोम ने ए क्रॉस बी दिया हमको, टू वाई कैप प्लस जे कैप प्लस थ्री के कैप। अब ए क्रॉस बी का फॉर्मूला आपको पता ही है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप, यहाँ पे एन कैप भी आ जाएगा गाइस, काम करते हैं लोग, अगर एन कैप नीचे तो पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी का। सो देयरफॉर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर ना, सो 65 है ये, सो 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आएगा ये, अंडर रूट ऑफ 40। यू कैन बी से दैट मॉड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा, मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा, और साइन थीटा कितना मिलेगा, रूट 40। आई होप कितने समझ में आएगा सबको, ये देखो ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू रूट 40। ठीक है, ठीक है, तो ए बी साइन थीटा कितना दिया है, रूट 14। अच्छा एक गलती किया मैंने, आता है यहाँ पे 2 है, तो ये 4 प्लस 1 प्लस 4 कितना आएगा, ए बी रूट 9 हो जाएगा ना, रूट 9 कितना होता है, रूट 9 3 होता है, और ए बी 3 हो जाएगा, तो 1 और 2 दोनों इक्वेशन में 3 हो जाएंगे। ठीक है, सो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा रूट 3 और ए बी साइन थीटा हो जाएगा 3। क्या करेंगे हम लोग, अगर मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया, अगर मैंने 1 को 2 से डिवाइड किया, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2। ठीक है, मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइडिंग फर्स्ट बाय सेकेंड, ठीक है, फर्स्ट को सेकेंड से नहीं तो फॉर्ट हो जाएगा, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट करते हैं, डिवाइडिंग सेकेंड बाय फर्स्ट किया क्या मिलेगा, सेकेंड क्या है गाइस, ए बी साइन थीटा, ये हो गया मेरा सेकेंड, और फर्स्ट कितना है, ए बी कॉस थीटा, ये हो गया फर्स्ट, ए बी साइन थीटा कितना है मेरा 3, और ए बी कॉस थीटा कितना है मेरा रूट 3, कट होके रूट 3 बचेगा ना, ए बी भी कैंसिल, तो फाइनली मैं लिख सकता हूँ टैन थीटा इज इक्वल टू रूट 3। आपको पता ही है कि टैन थीटा रूट 3 है, तो टैन रूट 3 का कौन सा वैल्यू टैन होता है, 60, हम लोग इसको पाई बाय 3 बोल सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एंगल कितना आएगा, दोनों के बीच में एंगल आएगा इसका पाई बाय 3, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3, या तो आप रेडियंस में लिखो या तो आप डिग्री में लिखो, ऑल वी कैन से दैट 60 डिग्री। सिंपल है, सो देखो समझ में आया, पहले डॉट प्रोड यूज किया, फिर क्रॉस प्रोड यूज किया, फिर दोनों को डिवाइड किया, अगर टैन निकाला, एंड टैन इज नथिंग बट एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स ए बार एंड बी बार एज वेल एज ए क्रॉस बी बार। देख लो समझ में आया कि नहीं, कंफर्म इट, एवरीवन अंडरस्टूड, समझा, कंफर्म इट, समझ में आया कि नहीं, एवरीवन अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट मुख्य तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सेम रहेगा तो नहीं करेंगे हम लोग, कराना पड़ेगा। ठीक है, find the vector of magnitude 5 perpendicular to both a bar and b bar, find the vector of magnitude 5 perpendicular to both a bar and b bar। to guys aapko main formula bataunga, solve nahi karane wala, sirf format pe dhyan do, sirf format pe dhyan do, samajh mein bahut sam। abhi vector perpendicular to a bar and b bar pata hai aapko, vector perpendicular to kisko, a bar and b bar, so vector perpendicular to a bar and b bar क्या होगा,
प्लस और माइनस ए क्रॉस बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये मेरा हो गया वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, प्लस और माइनस ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, ये हो गया मेरा वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। बट आपने क्या बोला, ये लोग ने बोला है वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव, क्या बोला यहाँ पे वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। क्या करेंगे गाइस, यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ये यूनिट वेक्टर है, पहले हमने यूनिट वेक्टर निकाला, तो यूनिट वेक्टर में मैग्नीट्यूड कितना होता है, वन होता है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं आपको वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव निकालना है परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या निकालना है फाइव परपेंडिकुलर टू ए बार एंड बी बार। सो यूनिट वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड वन आता है तो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव क्या करेंगे, हम फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, फाइव इंटू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, सिंपल आंसर। तो यूनिट वेक्टर निकालना था तो इसका मैग्नीट्यूड वन था, और अगर आपको वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव निकालना है तो फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है। बोलो समझ में आया सामने, पहले यूनिट वेक्टर निकालोगे, यूनिट वेक्टर को फाइव से मल्टीप्लाई कर दोगे आपको क्या मिल जाएगा, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव, सिंपल। मैंने अभी पीछे समझा आपको सेकंड वाला कैसे निकालते हैं यूनिट वेक्टर, पहले ए क्रॉस बी फिर उसका मैग्नीट्यूड, फॉर्मूला क्या है उसका, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब फिर अगर आपको वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव चाहिए या कोई भी मैग्नीट्यूड चाहिए तो उस मैग्नीट्यूड से उसको मल्टीप्लाई कर दो, वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड फाइव, फाइव से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, फाइव इंटू ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। आई होप क्लियर रहेगा सबको अच्छे से, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी ये सब क्वेश्चन तो मजे आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में दो मार्क के लिए पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, क्वेश्चन में देखो आपको मॉड ऑफ यू दिया है, मॉड ऑफ यू दिया आपको टू, आपको मॉड ऑफ बी दिया है, तो मॉड ऑफ बी आपको दिया गया है फाइव, आपको इसके साथ दिया गया है मॉड ऑफ यू क्रॉस बी, और मॉड ऑफ यू क्रॉस बी कितना दिया आपको एट, ठीक है। मॉड ऑफ यू, मॉड ऑफ बी और मॉड ऑफ यू क्रॉस बी, और मांगा गया है यू डॉट बी, तो आपको क्रॉस वर्ड दिया है, आपको डॉट वर्ड निकालना है, ठीक है। गाइस अगर मेरे को थीटा मिल जाए तो मैं आराम से डॉट वर्ड निकाल सकता हूँ, थीटा के लिए सिर्फ डॉट वर्ड की जरूरत है, यू बी कॉस थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यू क्रॉस बी को यूज करेंगे, यहाँ से थीटा निकालेंगे, ठीक है। लेट अस स्टार्ट। तो गाइस हम सबको पता है कि यू क्रॉस बी का फॉर्मूला कितना है, तो यू क्रॉस बी यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे यू क्रॉस बी एट दिया, तो मैं यू क्रॉस बी का सही से था ना, मॉड ऑफ यू इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा इज इक्वल टू एट, ठीक है। तो मॉड ऑफ यू कितना दिया है टू, मॉड ऑफ बी कितना दिया है फाइव, यहाँ पे आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू एट, हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा कितना आएगा बेटा, एट अपॉन टेन, जिसका आंसर आएगा फोर अपॉन फाइव, साइन थीटा कितना हो गया एट अपॉन टेन, जिसका आंसर आएगा फोर अपॉन फाइव, क्लियर है। और विद द हेल्प ऑफ साइन हम लोग को अगर यू डॉट बी चाहिए, तो यू डॉट बी का फॉर्मूला क्या पहले लिख लेते हैं, यू डॉट बी का फॉर्मूला है मॉड ऑफ यू इंटू मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, यही फॉर्मूला राइट। तो कॉस थीटा निकालते हैं, तो साइन थीटा की मदद से कॉस थीटा कैसे निकालते हैं, हमने सबने फॉर्मूला पढ़ा रहेगा अच्छे से, हाँ आइडेंटिटी यूज करेंगे आप हम लोग, क्या यू नो दैट साइन थीटा के जगह लिख सकते हैं कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रिलेशन है सबने ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ा जाएगा इतना, ठीक है, हमारा रिलेशन है, ठीक। सो इतना क्लियर हुआ, तो साइन थीटा कितना मिल रहा है फोर बाय फाइव, साइन थीटा कितना मिल रहा है फोर बाय फाइव, साइन थीटा अगर फोर बाय फाइव आ रहा है तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग यहाँ पे निकालना है अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा वन माइनस फोर बाय फाइव का होल स्क्वायर, प्लस द माइनस अंडर रूट ऑफ ऊपर आ जाएगा नाइन, नीचे आ जाएगा ट्वेंटी फाइव, कितना जाएगा ये प्लस और माइनस थ्री बाय फाइव, तो कॉस थीटा कितना आ गया मेरे पास प्लस और माइनस थ्री बाय फाइव, बस इसमें पुट करेंगे, सो यू कितना मेरे पास, यू है मेरे पास टू, बी कितना मेरे पास फाइव, और कॉस थीटा कितना मेरे पास प्लस और माइनस थ्री बाय फाइव, फाइव फाइव कैंसिल हो गया, टू इंटू प्लस और माइनस थ्री कितना हो गया प्लस और माइनस सिक्स, तो यू डॉट बी कितना आएगा मेरा प्लस और माइनस सिक्स, देख लो समझ में आया सर, ठीक है। यहाँ पे एंगल के बारे में पता नहीं कि ऑब्टूज है, जिसमें दोनों का एंगल लेना पड़ा,
एक्यूट रहता तो प्लस लेता है, तो ऑप्टिक रहता तो माइनस लेता है, बट यहाँ पे भी जैसा बताया नहीं है, सो वी आर गोइंग टू टेक बोथ द वैल्यूज प्लस और माइनस सिक्स। क्या आएगा आंसर? प्लस और माइनस सिक्स। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आ सको? कन्फर्म एवरीवन? यस यस सर। यस सर। सेकंड सम आप लोग कुछ ट्राई कर लेना, सेम सम है वहां पर। यू डॉट बी दिया, यू क्रॉस बी मारा है, तो कॉस मिलेगा, कॉस का साइन निकाल लो। लेट्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम नंबर 6। नेक्स्ट इज कंप्लीट करने की कोशिश में देखो होता है क्या। हम लोग 3D सेक्शन वाला पार्ट हटा लेंगे, सिर्फ हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि वेक्टर्स वाला पार्ट पहले कवर करेंगे, फिर 3D अलग से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, लेट अस मूव टू द टॉपिक। द टॉपिक इज सम नंबर 6 का पहली फर्स्ट सम। द क्वेश्चन इज अबाउट प्रूव दैट, वी नीड टू प्रूव दैट 2 टाइम्स ऑफ a बार माइनस b बार इज क्रॉस 2 टाइम्स ऑफ a बार प्लस b बार is equal to 8 times of a bar cross b bar. ये प्रूफ करना है। 2 times of a bar minus b bar cross 2 times of a bar plus b bar is equal to 8 times of a cross b. 8 times of a cross b. 8 times of a cross b. सर इधर 4 है। यस सर 4 दिया है। इधर इधर 4 times of a bar cross b bar. 8 की जगह 4 है। So 2 times of a bar minus b bar into 2 times of a bar plus b bar equal to 4 times of a cross b. Check कर दें। LHS pick करने आ गए। LHS कितना है? 2 times of a bar minus b bar into 2 times of a bar plus b bar. ये मेरा LHS हो गया। सबसे पहले इसके जो magnitude से इसको निकाल देंगे। हमने किया था ये formula ma bar into nb bar, तो mn बाहर आ गया था, a cross b बाहर आ गया था। पढ़ा होगा आपको अच्छे से। एम ए बार क्रॉस एन बी बार, एम एन मल्टीप्लाई क्या बाहर आ गया, अंदर बचा ए क्रॉस बी, तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, अंदर क्या बचेगा ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार, ये बचेगा अंदर। ठीक है, ए बार माइनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार। ठीक है, इतना क्लियर है? 4 बिल भी आ जाएगा। पहले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए क्रॉस ए हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए क्रॉस ए, फिर दूसरा आएगा प्लस ए क्रॉस बी, फिर देखो पहले ए से मल्टीप्लाई करते हैं, ए क्रॉस ए, फिर उसके बाद ए क्रॉस बी, फिर उसके बाद माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, और फिर माइनस बी क्रॉस बी, माइनस कितना आएगा, माइनस ऑफ बी क्रॉस बी। ये समझ में आ गया सबको? सर वो पहले वाला 80 आएगा बराबर था वो। ठीक है, मान लो यहां पे 4 विल बी एवरेज, ए क्रॉस ए 0 होता है, पढ़ा था हमने कोलिनियर वेक्टर 0 होता है, सो ए क्रॉस बी लिख दिया इसको, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए को भी मैं ए क्रॉस बी लिख सकता हूं। ठीक है, तो होगा क्या, यहां पे रीजन लिख देता हूं मैं, हम लोगों को पता है कोलिनियर वेक्टर हमेशा 0 होता है, ए क्रॉस ए 0 होगा, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था a cross b is same as minus of b cross a, commutative wala law, to collinear vector hamesha zero hota hai, collinear vector ka cross product hamesha zero hota hai, aur a cross b ka dusra tarika hai likhne ka minus of b cross a, to minus of b cross a ko bhi maine a cross b likh diya, to ye bhi a cross b, ye bhi a cross b, kitna ho gaya 4 times of, yahan pe aayega 2 times of a cross b, aur 4 into 2 kitna ho gaya 8, answer aayega 8 times of a cross b, 8 times of a cross b. ठीक, the answer is 8 times of a cross b. तो क्या वो समझा देगा अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। ठीक है, let us move to the next question. सेवेंथ क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करोगे, सेम समय वेरिफिकेशन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, प्रॉपर्टी है तो प्रूव होना ही चाहिए। हम लोग आते हैं 8th क्वेश्चन पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हम लोग मूव करेंगे सम नंबर 7 पे, सम नंबर 7 है मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो समझ के देखते हैं अच्छे से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं कैसे। ठीक है, पहले हम लोग फॉर्मूला समझते हैं इसको। ये हो गया मेरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक, इसका फॉर्मूला कैसे बना है वो देखो। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, टॉपिक का नाम है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इसका फॉर्मूला है मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, सिंपली फॉर्मूला है इसका।
अब चेक करते हैं कैसे आएगी, ठीक है। मान लो चलिए पैरोग्राम है, मान लो ये पैरोग्राम है, ठीक है। तो ये इनिशियल वेक्टर रहेगा, तो इसको हम लोग ए बार बोल देते हैं और इसको हम लोग बी बार बोल देते हैं, थोड़ा बड़ा बनाना रहेगा मुझे। समझने के लिए ज्यादा रिपीट होना चाहिए। मान लो पैरोग्राम है, हो गया मेरा ए बी सी डी, फर्क नहीं पड़ता है। हम कोई शॉर्ट अगर एक बार लेते हैं, जिसको मैंने ए बार बोल दिया और जिसको मैंने बी बार बोल दिया, ठीक है। इतना समझ में आया, हो गया मेरा ए बार, हो गया मेरा बी बार, हाँ। ये रहेगा मेरा हाइट। सबको पता है कि एरिया ऑफ पैरोग्राम फाउंडर होता है बेस इनटू हाइट, इतना तो पढ़ा है सबने। अब क्योंकि एरिया है तो हम लोग मॉडुलस क्वांटिटी बोलेंगे, एरिया तो हमेशा वैल्यू में आएगा। इसका बेस कितना है, बेस इसका मॉड ऑफ ए, बेस का मैग्नीट्यूड कितना रहेगा, मॉड ऑफ ए। हाइट कितना रहेगा गाइस, अगर आप इसको हाइट निकालते हो ट्रिग्नोमेट्री से, देखो राइट एंगल हो गया, ये थीटा हो जाएगा मेरा, क्लियर। सो हाइट मिलेगा आपको उसका बी कॉस थीटा, ठीक है ना, ये थीटा है मेरा ग्री, ठीक है। तो कितना आएगा ये आएगा मेरा बी साइन थीटा ना, आएगा बी साइन थीटा। तो अगर मैंने हाइट पे डाल दिया बी साइन थीटा, यहाँ पे आएगा मेरे पास हाइट पे बी साइन थीटा। आपको भी पता है कि ए बी साइन का किसका फॉर्मूला है, ए बार क्रॉस बी बार का, इसके मॉडल पूरा समझ में आया फॉर्मूला, आया ना। बेस कितना मेरा ए बार, हाइट मैंने ट्रिग्नोमेट्री से निकाला, तो ट्रिग्नोमेट्री से हाइट कितना मिलेगा, ये मॉड ऑफ बी, देखो ऑपोजिट अपॉन hypotenuse, opposite upon hypotenuse कितना होगा, opposite upon hypotenuse is nothing but AD, that is B bar. From the manage के लिए कितना होगा, height कितना आएगा, mod of B sin theta. So base is mod of A, height is mod of B sin theta. Collaborate के लिए कितना मिलेगा, mod of A cross B. So area of parallelogram formula क्या बनता है, mod of A cross B. अगर अभी आपको area of triangle निकालना है, तो आप B वाला formula use कर सकते हो. अगर area of parallelogram मेरा mod of A cross B आ रहा है, so area of triangle आएगा half of mod of A cross B. आधा ट्राइंगल होता है, ठीक है ना। सो हाफ ऑफ ए क्रॉस भी यूज कर सकते हैं हम लोग, हाफ ऑफ ए क्रॉस भी, ठीक है, हाफ ऑफ ए क्रॉस भी हम लोग आराम से यूज कर सकते हैं। आई होप कि समझा रहेगा सबको, ठीक है, हटा दो इसको, क्लियर है गाइस, श्योर समझा। यस, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला मॉड ऑफ ए क्रॉस भी कैसे बना मैंने वो भी बताया आपको, और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस भी। सो आप लोग आराम से ढूंढ सकते हो, सम नंबर 8 सबको आता है फॉर्मूला, अभी मैंने जस्ट फॉर्मूला बताया, आराम से ढूंढ लोगे, ठीक है। हम लोग मूव करेंगे सम नंबर 9 पे। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, हाफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, आपको पता है ए क्रॉस बी निकालना है, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है शो दैट द वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हमको प्रूफ करना है यहाँ पे कि जो वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला कितना आएगा, इसका फॉर्मूला आएगा टोटल एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी डी, हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी डी, ये मेरा फॉर्मूला है, ये प्रूफ करना है। वेक्टर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ ऑफ ए सी क्रॉस बी डी। अगर ए सी और बी डी का बात किया जाए, तो ए सी और बी डी मेरा यहाँ पे डायगोनल्स है, ए सी और बी डी क्या रहेगा मेरा डायगोनल्स, हो गया ए, हो गया बी, हो गया सी, हो गया डी, ए सी और ए बी डी, ए सी और बी डी क्या मेरा डायगोनल्स है, ठीक है ना। यहाँ पर ट्राइंगल लॉ बहुत ज्यादा अच्छे से लगेगा, ठीक है, ट्राइंगल लॉ लगाते हैं और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। हमको ए सी क्रॉस बी डी चाहिए, तो ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, पहला हम लोग ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो ए बी सी भी मेरा पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, राइट, A B C D B A parallelogram. That A B C D B A parallelogram. ठीक है, वेक्टर ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन इसको जो पढ़ा था लास्ट सेक्शन में, ए सी वेक्टर देखना अच्छे से, ए सी वेक्टर को लिख सकता हूं मैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, और दूसरा and BD vector is equal to BA plus AD, BA plus AD, ठीक है।
सो एसी मिल गया मेरे को एजी प्लस बीसी, इधर आपको ये वाला ट्रायंगल एसी वेक्टर इज इक्वल टू एजी प्लस बीसी, और मिल गया बीडी वेक्टर इज इक्वल टू बीए प्लस एडी, बीए प्लस एडी, बीए प्लस एडी, इतना क्लियर है? ठीक है, अब बीए इसको मैं ऐसा लिख सकता था इट्स आल्सो इक्वल टू बीए वेक्टर को घुमाया अगर मैंने, बीए इज नथिंग बट माइनस ऑफ एबी, माइनस ऑफ एबी प्लस एडी, चलेगा? ठीक है, ऐसा लिख सकता हूं माइनस ऑफ एबी प्लस एडी। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है क्लास, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो एबी और बीसी से एडी और बीसी सेम होगा ना, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था मैंने कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ एबी प्लस बीसी। ठीक है, रीजन लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि एडी वेक्टर और बीसी वेक्टर दोनों सेम होंगे बिकॉज दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है। ठीक है, सो एसी कितना मिला मुझे, एबी प्लस बीसी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, जैसे मिल चुका आपको। हाँ, आप इसको घुमा के ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकता है इसको, बीसी माइनस एबी माइनस बी प्लस ए इज बी माइनस ए। अब मेरे को एसी मिल गया और बीडी भी मिल गया। Now we will pick what our result. क्या हमारा रिजल्ट हमको चाहिए, ए सी क्रॉस बी डी चाहिए। तो निकालते हैं यहाँ पे ए सी क्रॉस बी डी, ए सी क्रॉस बी डी निकालो। ए सी कितना है तुम्हारा, ए सी आपका है ए बी प्लस बी सी, हो गया मेरा ए सी, राइट, दिख रहा आपको। और बी डी कितना आपका, बी डी आपका बी सी माइनस ए बी, हो गया बी डी। चलो इसको सॉल्व करो, देखिए इसका आंसर आ रहा है, जो मैं दूंगा सॉल्व करने के लिए फटाफट इसका आंसर निकालो। यहाँ पर पैरेललोग्राम नहीं दिया, क्वाड्रिलेटरल दिया है एक्चुअली। यस सर, क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल दिया है हमको। देखो मेरे पास जो नोट्स है वो माइनस का है, तो बेटर है कि इसको एडिशन किया रहेगा, अब इसको पैरेललोग्राम करो। ठीक है सर, अगर क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो फिर कैसे करते, क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता ना, क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होता था, पीसी आता नहीं था, पैरेललोग्राम होगा तभी तो उन्होंने ए बी और बी सी यूज किया। कॉल करो, इसमें प्रॉपर्टी लगाओ और गेट द आंसर फटाफट, 2 मिनट में कॉल करो। डन सर,
आया इसका आंसर? यस। ठीक है, सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना है कुछ नहीं, ए बी को पहले बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है, फिर ए बी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस ऑफ ए बी क्रॉस ए बी। फिर बी सी को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, बी सी क्रॉस बी सी। फिर बी सी को ए बी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, माइनस ऑफ बी सी क्रॉस ए बी। ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन जीरो हो जाएगा बिकॉज ऑफ कोलिनियर वेक्टर। क्या बचेगा मेरे पास, मेरे पास बचेगा ए बी क्रॉस बी सी, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ ए बी क्रॉस बी सी। सबको पता है माइनस बी क्रॉस ए इज ए क्रॉस बी। ठीक है ना, तो कितना आ गया, टू टाइम्स ऑफ ए बी क्रॉस बी सी, टू टाइम्स ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो आपका आंसर इधर कितना है, इधर है ए सी क्रॉस बी डी। सबको सबको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है क्या होता है, वो ये आपका हो गया टू, यहाँ पे गया हाफ, ये बचेगा ए सी क्रॉस बी डी। ठीक है ना, और ये कितना आएगा, ए बी क्रॉस बी सी को हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही बोलते हैं ना, ए सी क्रॉस बी डी क्या बोलते हैं हम लोग, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। देखना समझ में आया, क्लियर है, कन्फर्म इट, सबको समझा दो। Yes, अभी जस्ट पढ़ा था ना कि ए सी क्रॉस बी सी को हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ए सी क्रॉस बी सी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो सिंपल सा था ये, ज्यादा था नहीं कुछ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। वेक्टर प्रोडक्ट का टॉपिक कंप्लीट करेंगे आज कैसे भी। ठीक है, ये था हमारा सम नंबर 9, लेट अस मूव टू नेक्स्ट सम, दैट इज सम नंबर 10। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, गाइस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एक दूसरा फार्मूला दिया है, हाफ ऑफ। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच डायगोनल्स आर डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स। हां, तो ये फार्मूला लिखा के दे रहा हूं आपको, जो भी फार्मूला पढ़ना है अच्छे से। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का दूसरा फार्मूला दिया, अभी मैंने पीछे प्रूफ किया उसको, एसी और बीडी क्या था, डायगोनल्स था ना। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का दूसरा फार्मूला होगा हाफ ऑफ मॉड ऑफ डी वन क्रॉस डी टू। बोलो, नहीं समझा, अभी पीछे वाले समय प्रूफ किया था, एसी एंड बीडी आर द डायगोनल्स, सो डी वन क्रॉस डी टू, डी वन एंड डी टू आर द डायगोनल्स, डी वन एंड डी टू आर वॉट, आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, डी वन एंड डी टू आर द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो समझ में आया फॉर्मूला ये? यस, अभी पीछे प्रूफ किया ना, नहीं था हम लोग ने, AC cross BD is equal to 2 times of AB cross BC. तो वही था, तो मैंने पीछे प्रूफ किया। ठीक है, तो यहाँ पे D1 and D2 diagonals है, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 खुद से कर लोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको diagonals दिया गया है, तो आप लोग तो प्रैक्टिस करोगे तो जाके आपका आराम से आ जाएगा। ठीक है, लेट अस मूव टू सम नंबर 11। ठीक है, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ ऑफ D1 cross D2 आराम से सॉल्व हो जाएगा। सम नंबर 11 में आते हैं, सम नंबर 11 में बोला है कि A बार B बार C बार D बार ये चार अलग अलग वेक्टर्स है, A bar, B bar, C bar and D bar are four different vectors, four distinct vectors, ऐसा दिया। तो अगर ये चारों वेक्टर्स अलग अलग है तो obviously समझ में आता है कि चारों आपस में इक्वल नहीं होंगे। So A bar is not equal to B bar, is not equal to C bar, is not equal to D bar. ठीक है ना, एक बार क्लियर है, हमको क्या बोला है कि अगर A bar क्रॉस B bar और C bar क्रॉस D bar इक्वल है, तो हमको प्रूफ करना है कि ए माइनस डी और बी माइनस सी पैरेलल है आपस में। चलो बहुत अच्छे से जान लेंगे, पहले ए माइनस डी निकालते हैं। तो अगर ए और डी इक्वल नहीं है तो ऑब्वियसली ए माइनस डी जीरो भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो दोनों का डिफरेंस जीरो होता था ना, तो दोनों इक्वल नहीं है जिनका डिफरेंस जीरो भी नहीं होगा, तो ए माइनस डी जीरो नहीं होगा। और दूसरा बोल सकता हूँ मैं कि बी माइनस सी ये भी आपका जीरो वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, इसको लिया हमने इक्वेशन 1। ठीक है, अगर ये चारों वेक्टर्स अलग अलग है तो इनका जो डिफरेंस है दो वेक्टर्स के बीच में जीरो तो नहीं होगा, इतना क्लियर है। नाउ हम लोग को जो दिया है क्वेश्चन में उसको यूज करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में पहले दिया है ए बार क्रॉस बी बार, कितना दिया, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार दिया आपको, सी बार क्रॉस डी बार। ठीक है, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। और दूसरा कितना दिया है, मेरे को दूसरा दिया है ए बार क्रॉस सी बार इज इक्वल टू बी बार क्रॉस डी बार, इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 3।
है, ए क्रॉस बी इक्वल टू सी क्रॉस डी, और दूसरा ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी, क्या करते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, सब्ट्रैक्टिंग व्हाट, सब्ट्रैक्टिंग थर्ड फ्रॉम सेकंड, जैसे सब्ट्रैक्ट किया ये माइनस आ जाएगा, बीच में छुटा जाएगा, ये ए क्रॉस बी माइनस ऑफ ए क्रॉस सी इज इक्वल टू क्या आएगा, C cross D minus of B cross D, subtract किया, यहाँ से मैंने A vector बाहर निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, A cross common निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा B bar minus C bar, वो बताए B bar minus C bar zero नहीं है, ठीक है, तो A common निकाल लिया, क्या बचेगा B bar minus C bar, यहाँ पे मैंने क्या common निकाला, D bar common निकाला और पीछे जाएगा D bar अगर पीछे जाएगा तो कितना आएगा C bar minus D bar, ठीक है, C bar minus B bar, इतना तो शोर समझ में आ जाएगा सबको, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने का इतना हो जाएगा, ठीक है, अब आपको पता है कि LHS को मैं सेम रखूंगा, A bar cross B bar minus C bar, LHS को मैं सेम रखता हूँ, इधर क्या कर सकता हूँ मैं, C minus B को लिख सकता हूँ मैं minus of B minus C, ठीक है ना, साइन कॉमन निकाला माइनस, तो ये घूम जाएगा और यहाँ पे आएगा इंटू बी बार, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, यहाँ पे आंसर आएगा A bar cross B bar minus C bar, ये माइनस साइन जो है, ये जो माइनस साइन है इसको हम लोग घुमा सकते हैं, माइनस ऑफ B क्रॉस A इज A क्रॉस B, माइनस ऑफ B क्रॉस A इज A क्रॉस B, इधर समझ में दोनों का जो दूसरा वेक्टर है सेम हो गया, तो इस वेक्टर को यहाँ लेके आते हैं ना, इसको LHS में लेके आते हैं, जैसे इसको LHS में लिखा है क्या हो जाएगा, इस जो सेम उसको एक बार लिख सकते हैं हम लोग LHS में आगे, तो क्या हो गया A bar cross B bar minus C bar, इसको LHS में लाओ कितना आएगा, minus B bar cross B bar minus C bar is equal to what, is equal to zero, जो सेम है उसको एक बार लिखो, जो अंदर है उसको एक बार लिखो, B bar minus C bar सेम है तो इसको एक बार लिखो, दोनों नीचे रिलेशन क्या रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा टूट के, A bar distributed law, तो A bar minus B bar cross B bar minus C bar common निकला, सो ए बार माइनस बी बार, और जो ये क्रॉस बी बार माइनस सी बार था दोनों में कॉमन निकाला, सो ए बार माइनस बी बार क्रॉस बी बार माइनस सी बार कितना आएगा, इसका आंसर आएगा जीरो, और हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, देयरफॉर ए बार माइनस बी बार इज पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार, इज पैरेलल टू क्या, इज पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार, देखिए समझ में आया, सो ए बार माइनस बी बार इज पैरेलल टू बी बार माइनस सी बार, ठीक है, ये हमारा ये इस पे ध्यान देना, हमने क्या किया क्रॉस बी माइनस सी कॉमन निकाला, तो क्रॉस बी माइनस सी कॉमन जो यहाँ पे क्या बचेगा ए, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस जी, सो ए माइनस जी क्रॉस बी माइनस सी, और अगर ए माइनस जी क्रॉस बी माइनस सी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से पढ़ा था कि क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो आ रहा है तो वेक्टर क्या रहेगा, वेक्टर रहेगा पैरेलल, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो वेक्टर का पैरेलल, कुछ भी डाउट होगा तो पूछ सकते हो सर, इसमें डायरेक्ट भी एक्सपांड कर सकते हैं ना यहाँ से, किसको सर, वो वाला डायरेक्ट ए बार इनटू बी बार फिर माइनस डी इनटू सी बार ऐसा डायरेक्ट, हाँ ब्रैकेट ऑफ कर सकते हैं, यस ठीक है, करेंगे उसका, हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं, हम लोग को अल्टीमेटली क्या प्रूफ करना था कि ये पैरेलल है, तो पैरेलल प्रूफ करने का एक ही तरीका था क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का जीरो आ गया, ठीक है, क्वेश्चन में खुद ही बोला ना सो दैट ए माइनस डी बार इज पैरेलल टू बी माइनस सी बार, हम लोग को यही लेके आना था ना, पैरेलल कैसे प्रूफ करोगे क्रॉस प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में पैरेलल प्रूफ करने का एक ही ऑप्शन है हमारे पास, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम लोग को अगर एरिया ऑफ पैरेलोग्राम निकालना है तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, अगर दूसरी तरीके से निकालना है तो मॉड ऑफ हाफ ऑफ मॉड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, तो हाफ ऑफ मॉड ऑफ डी वन क्रॉस डी टू, हाफ ऑफ मॉड ऑफ डी वन क्रॉस डी टू, ठीक है, आपको ए बार दिया है, कितना दिया है ए बार, आई कैप प्लस जे कैप प्लस ए कैप, ये आपका ए बार है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको सी बार भी दिया है, सी बार कितना दिया है, सी बार दिया है जे कैप माइनस ए कैप, और क्या दिया हमें, हमें बोला गया फाइंड ए बार वेक्टर, फाइंड ए बार, फाइंड ए बार वेक्टर सेटिस्फाइंग बी बार
क्या लिखा है इसमें, कंडीशन है ए क्रॉस बी सी है और ए डॉट बी थ्री है, फाइंड बी बार निकालना, फाइंड बी बार सेटिस्फाइंग ए क्रॉस बी सी और ए डॉट बी थ्री दिया, ठीक है। तो मेरे को बी पता नहीं, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि बी कोई ना कोई वेरिएबल वेक्टर होगा, वेरिएबल वेक्टर मतलब जिसका एक्स वाई जेड अननोन है, तो बी को ले लिया हमने एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हो गया मेरा बी बार, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अभी क्वेश्चन में आपको दिया है कि ए डॉट बी थ्री है, क्वेश्चन में कितना दिया है कि ए डॉट बी कितना दिया है, ए डॉट बी दिया है थ्री, हम लोग ए डॉट बी निकालते हैं, ए कितना दिया गाइस, ए आएगा मेरा आई कैप प्लस j cap plus k cap, ये हो गया मेरा a, और b कितना मेरे पास xi cap plus yj cap plus zk cap, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना दिया है 3। अब हमने कितनी बार पढ़ा है कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स का, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2, तो 1 into x x, 1 into y y, 1 into z z, x plus y plus z कितना आएगा, this is equal to 3, हो गया मेरा इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपको एक चीज और दिया इसके साथ, हमको दिया गया सी बार, सी बार कितना दिया है ए क्रॉस बी, तो सी बार कितना दिया है ए क्रॉस बी, ठीक है। तो सी बार कितना है गाइस, यहाँ पे सी बार है मेरा पास जे कैप माइनस के कैप, सी बार कितना है जे कैप माइनस के कैप। अब ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे हम लोग, फिर से मैंने आपको बताया था ए क्रॉस बी निकालने के लिए डिटरमिनेंट लगाना पड़ेगा, तो आई कैप जे कैप के कैप, ए का कोएफिशिएंट 1 1 1, बी का कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा जेड माइनस वाई आई कैप, ठीक है, माइनस ऑफ जेड माइनस एक्स जे कैप प्लस वाई माइनस एक्स के कैप, ठीक है ना। और यहाँ पे कितना दिया, यहाँ पे दिया जे कैप माइनस के कैप, इसको हम लोग इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स लगा के सॉल्व करेंगे, दो जाके हम लोग का आंसर आएगा j cap minus k cap, equality of vectors लगाओ, so by equality of vectors हम लोगों को तीन equation मिलेंगे, मैं shortcut में लिख रहा हूँ, by equality of vectors, i है ही नहीं यहाँ पे, z minus y zero हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा z minus x is equal to one, और यहाँ पे हो जाएगा y minus x is equal to minus one, ठीक है, इसको solve किया तो यहाँ से मिलेगा z minus y, y is equal to z मिलेगा, इधर कितना मिलेगा, मिलेगा आपको y is equal to z, ठीक है। थर्ड से कितना मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा मुझे माइनस x, x का वैल्यू मिलेगा मुझे 1 प्लस z, ठीक है ना। तो ये माइनस z माइनस x इक्वल टू माइनस 1 आएगा, माइनस आएगा इधर ना, और k भी वैसे आएगा माइनस आएगा, z इक्वल टू 1, ये आ गया माइनस 1, z माइनस x माइनस 1, x इक्वल टू 1 प्लस z, ठीक है। और यहां से मिलेगा मुझे एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इतना समझ में आया, ये चीज समझ में आ गया, एक्स मिल गया वाई मिल गया। अब इक्वेशन दिख रहा है आपको, तो एक्स का वैल्यू कितना दिख रहा है, एक्स का वैल्यू दिख रहा है आपको कि एक्स का वैल्यू वन प्लस जेड है, वाई का वैल्यू जेड है, सो इक्वेशन वन में इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो इक्वेशन वन में क्या आएगा, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन वन, पुट वाई एंड एक्स का वैल्यूज इन इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट करते हैं, क्या है मेरा इक्वेशन वन, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। सो x का वैल्यू कितना है 1 प्लस जेड, y का वैल्यू कितना है जेड, z का वैल्यू कितना है जेड, विच इज इक्वल टू 3, तो कितना आया यहाँ पे 3z इज इक्वल टू 2, कितना आ गया z इज इक्वल टू 2 बाय 3। अब आप मुझे बताओ z का वैल्यू अगर 2 बाय 3 है तो y का वैल्यू भी 2 बाय 3 होगा कि नहीं होगा, विच इज इक्वल टू y, इधर लिख देते हैं, ठीक है ना, कि y और z इक्वल है, तो x कितना होगा, therefore x is equal to 1 plus z, 1 plus 2 by 3, कितना आएगा ये 5 by 3, मुझे क्वेश्चन क्या बोल रहा था, b बार आप निकालो, therefore b बार कितना आएगा, b बार हमने लिया था xi plus yj plus zk, so xi कितना आएगा मेरा 5 by 3 i cap, y कितना रहेगा मेरा 2 by 3 j cap, और z कितना रहेगा मेरा 2 by 3 k cap, तो b बार तो रेडी है मेरे पास 5 by 3 i cap plus 2 by 3 j cap plus 2 by 3 k cap, ठीक है, this is the answer, hope you some समझा देगा, देख लो अच्छे से, clear है, everyone understood? Yes. Yes. Thirteen sum, आप लोग कुछ try कर लोगे, ठीक है, simple सा sum है, thirteen sum कुछ try कर लो, we'll move to sum number 14, 18 sum, sum number 14,
सम नंबर 14 वेक्टर वेक्टर का कॉन्सेप्ट मैं आज कंप्लीट करूंगा कैसे, क्योंकि अगले लेक्चर में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड देन 3D ज्योमेट्री. ठीक है, तो 5.4 एक्सरसाइज का सम नंबर 14, इसके थ्योरम्स का मैं एक सेक्शन अलग से रख लूंगा लास्ट में. इस चैप्टर के थ्योरम्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसका थ्योरम्स के लिए मैं एक छोटा सा रिवीजन रखूंगा लास्ट में. सम नंबर 14 में क्या दिया है कि मॉड ऑफ ए डॉट बी, मतलब डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है. और सेकेंड चीज दिया यहाँ पे कि ए डॉट बी लेस देन 0 है, ए डॉट बी नेगेटिव है. ए डॉट बी कितना है? नेगेटिव है. जब ए डॉट बी नेगेटिव आता है ना, तो उसका इसका मतलब ये समझ में आना है कि कॉस्ट जो है वो सेकेंड क्वार्टर में लाई कर रहा है. ठीक है, कॉस्ट किस में लाई कर रहा है? सेकेंड क्वार्टर में. अच्छे से जा रहे, क्योंकि थीटा नेगेटिव, कॉस्ट नेगेटिव हो जाएगा तभी तो वैल्यू नेगेटिव आएगा. समझ में, मतलब कॉस्ट अगर सेकेंड क्वार्टर में लाई करेगा तभी तो वैल्यू नेगेटिव आएगा, इतना याद रखना अच्छे से. सो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, और बोला गया क्वेश्चन में कि ए डॉट बी नेगेटिव है. ठीक है, सिर्फ ए डॉट बी नेगेटिव बोला है. So, A dot B negative, मतलब क्या? आपका जो थीटा है वो सेकेंड क्वार्टर में लाई कर रहा है, इतना रखना. यहाँ पे लिख सकते हो आप थीटा लाइज इन सेकेंड क्वार्टर. मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, थीटा लाइज इन सेकेंड क्वार्टर. ठीक है, यहाँ पे A dot B वाले में A dot B का जो एंगल रहेगा वहां पे थीटा कहाँ लाई कर रहा है? सेकेंड क्वार्टर में लाई कर रहा है. ठीक है, अब बोलो दोनों इक्वल है तो A dot B का मैग्नीट्यूड और A cross B का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है. तो ये वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए ना, कितना आना चाहिए? नेगेटिव. आंसर कितना आएगा? माइनस ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा ए बी साइन थीटा. माइनस ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे आएगा ए बी साइन थीटा. ए बी ए बी कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा? माइनस 1 इज इक्वल टू टैन थीटा, साइन बाय कॉस टैन हो गया. ठीक है, कौन सा वैल्यू टैन का माइनस 1 होता है? माइनस 5/4 बोल सकता हूँ मैं. टैन थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ टैन 5/4. ठीक है, कितना आएगा आंसर हमारा? tan माइनस tan थीटा. कौन से क्वार्टर में आएगा? नेगेटिव. सेकंड क्वार्टर में कितना आएगा इसका आंसर? pi माइनस pi बाय 4. पड़ा देगा tan pi माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा. कितना आएगा इसका आंसर? tan 3 pi बाय 4. A bar and B bar कितना आएगा? Angle between A bar and this 3π/4. कितना आएगा? 3π/4. देखो समझ में आएगा. Angle between A bar and B bar is 3π/4. Clear सबको ये पक्का? देख लो, confirm करो. Yes. तो आगे जो question number 16 है, 17 है, ये सब जो questions है, ये हमारे 3D geometry के questions है. तो 3D geometry जब तक पढ़ेंगे नहीं हम लोग, तो हम लोग अच्छे से होगा नहीं. तो हमारा एक लास्ट टॉपिक रहेगा इस टॉपिक चैप्टर में. टॉपिक का नाम है मेरा, एक लास्ट टॉपिक है वेक्टर्स खत्म करने के लिए. टॉपिक का नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है, एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए. क्या होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? ए बार डॉट बी क्रॉस सी. ठीक है, इसको हम बोलते हैं मॉड ऑफ ए बी सी. इसके सैंपल हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो प्रॉपर्टीज ऐसा भी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ठीक है, नियर अबाउट हमारा चार टॉपिक, चार एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ. अब इसमें जो एक्सरसाइज रह गया हमारा सम नंबर 15, 16, 17, 18, ये सब क्वेश्चन जो है ये 3D ज्योमेट्री को बिलोंग करते हैं. तो जब तक 3D ज्योमेट्री के हम लोग कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हैं कि क्या होता है डायरेक्शन रेशियो, क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन्स, क्या रिलेशन होते हैं उनके बीच में, तब तक वो सब हम सॉल्व नहीं कर सकते हम लोग. सो अगले लेक्चर में हम लोग हाफ एन आवर में या 45 मिनट्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट विद 3D ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट. रिमेंबर दैट हम लोग को इस चैप्टर में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी है, बट आप लोग को बोर्ड्स में वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट डिलीट किया हुआ है. हम लोग अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिर्फ बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू में. ठीक है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाला कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं करने वाले.
अभी जो हमारा रह गया, हमने कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं 5.3 के और कुछ क्वेश्चन छोड़े हमने 5.4 के। ये दोनों क्वेश्चन जो है, जो छोड़े हुए क्वेश्चन है, ये बिलोंग करते हैं 3D ज्योमेट्री को। 5.3 और 5.4 के जो लेफ्ट आउट क्वेश्चन है हमने, जैसे अभी 5.4 में मैंने 15 सम्स छोड़ा 15, 16, 17, 18, ये 3D ज्योमेट्री के सेक्शन को बिलोंग करते हैं। और 5.3 में भी हमने कुछ सम्स लास्ट में छोड़े थे, वो भी हम लोग को बिलोंग करता है 3D ज्योमेट्री को। 3D ज्योमेट्री को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, देन डायरेक्शन रेशियोज क्या होता है, इन दोनों में रिलेशंस क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होता है, ये सब चीज पढ़ना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन 3D ज्योमेट्री अच्छे समझ में आएगा तो 100% 3D लाइन और 3D प्लेन भी समझ में आएगा, क्योंकि इसके ऊपर ही बेस्ड है 3D लाइन एंड 3D प्लेन। ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है ये, वेक्टर्स एंड 3D एक कंबाइंड टॉपिक है जो हम लोग को GW में कहीं ना कहीं अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि GW में जो क्वेश्चन आता है इसका वो इसी के बेस पे आता है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के बेस पे आता है, ज्यादा टफ होता नहीं है। ठीक है, तो अगर हम लोग को डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से आ रहा है, तो वेक्टर्स चैप्टर इतना हार्ड चैप्टर तो नहीं है। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने क्या देखा था, पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ। सेकंड एक्सरसाइज में क्या देखा था हमने, सेकंड एक्सरसाइज में हमारा वही था एक्सटर्नल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, सेंट्रॉइड ऑफ टेट्राहेड्रन, ये सब फॉर्मूला हमने सेकंड एक्सरसाइज में देखा था। थर्ड एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट डॉट प्रोडक्ट, फोर्थ एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट जो आज के लेक्चर में देखा, एंड देन द फिफ्थ एक्सरसाइज इज अबाउट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बट हम लोगों ने पढ़ा कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम लोग को है नहीं बोर्ड्स में, तो नेक्स्ट लेक्चर में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को वेक्टर्स को कंप्लीट करेंगे। देन वी विल स्टार्ट विद 3D ज्योमेट्री, 3D लाइन एंड 3D प्लेन। ये पूरा टॉपिक जो है 10वां का चैप्टर है और बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें हम लोग 25% सिलेबस भी रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी कवर हो जाएगा हमारा। ठीक है, आज का लेक्चर सबको समझ में आया, कंफर्म इट, आज का लेक्चर समझ सबको, एवरीवन यस, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, आज के कुछ लेक्चर्स में करा है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो स्टार्ट करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आल्सो कॉल्ड एज बॉक्स प्रोडक्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, बाय गाइस, प्लीज प्रैक्टिस करो और जो डाउट हो पूछना। ठीक है, अगला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका 3D ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, अगर 3D ज्योमेट्री नहीं पढ़ा ना आपने तो लाइन एंड प्लेन आपको समझ में नहीं आएगा कुछ। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू एवरीवन।